इतनी आपने शोहरत हासिल की, दौलत भी आ गई, अल्लाह ताला ने इज्जत भी दे दी, कभी ख्याल नहीं आया कि फौत हो जाऊं? नहीं, अभी तो शौक पूरा करना नहीं, अल्लाह ताला ने आपको बहुत लंबी उम्र देनी है, अल्लाह आपकी उम्र भी मुझे लगाए इंशाल्लाह। तो ये चाहत भाई है यार, चाहत भाई एक निकरा हुआ चेहरा है, जो ये मौसीकी के साथ कर रहे हैं ना, पिछले कुछ 2000 साल में कोई नहीं कर सका जो इस बंदे ने कर दिया। 300 साल में किसी सिंगर ने, किसी राइटर ने, किसी म्यूजिशियन ने कोई एक राग भी नहीं लिखा। मैंने माशाल्लाह 11 जी लिख लिए। 11 राग आपने लिखे हैं? जी माशाल्लाह। कितने लिखे ने? मैंने जी घर पे लिखे नहीं, सही बताएं। एक राग मैंने 4 महीने पहले लॉन्च किया, उसका नाम रखा राग मोहब्बत। उफ, राग मोहब्बत। छोटे बच्चों के लिए भी राग लिखे हैं? नहीं, बड़ों के लिए भी, क्योंकि मेन बच्चे भी आपको सुनते हैं बहुत ज्यादा। तो ये बच्चे नहलाने वाले ढोंगे जैसा मुंह नहीं आपको, आपको लगता है कि? अच्छा, मुझे भी आपकी तरह छोटे होते हुए बाला शाला वजह हुआ, मुझे खुद नहीं पता मेरा पेज कहाँ पे गिरा हुआ है। मैं आपकी शागिर्दी में आना चाहता हूँ, मुझे भी कुछ सिखाए ना। मैं हाजिर हूँ सरकार, जब कहेंगे भजन अभी कुछ सिखा दें। सबसे पहले आपने गले की प्रैक्टिस करनी होती है। डी गला पहनना है? नॉर्मल गला। डीप गला? नहीं, नॉर्मल गला। कौन सा गला जी? ये गले की बात कर रहे हैं। नहीं, स्टेज शो पे भी तो बड़े गले पहनती है वो भी ना गला। नहीं, आपने गले की प्रैक्टिस करनी होती है और उसको मजबूत करना होता है। क्या करना होता है? उसको मजबूत प्रैक्टिस कर करके, गा के मजबूत करना। ये गला मजबूत प्रैक्टिस से होता है? प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करते हैं? मैंने बहुत की मशाला। कितने कितने घंटे करते हैं प्रैक्टिस? मैं जब लॉकडाउन था तो 8-8 घंटे की अकेले अकेले मशाला। नहीं, उस सुनने वाले को भी तो वो एग्जर्फ जी लेसन, उसके अंदर मेरी राइटिंग भी है, क्योंकि मैं गाने भी खुद अपने जी लिखता हूँ माशाल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये इतने गंदे ख्यालात आते कैसे हैं? जब आपके अंदर कुछ ना कुछ करने का आपने ठान ली हो, जब आपने लोगों के साथ यमंडस करना हो और अल्लाह ने आपको चुन लिया हो, तो फिर यू ही यमंडस होता है।